इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया तो जिन्हें भी मीडिया के साथी आए ने सारे का स्वागत आ। मेरे नाल साढ़े सैकटरी विकास प्रताप जी, कमिश्नर वरुण रूजम जी, डिपार्टमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हाजिर ने गे। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में एक साल पूरा होया गा। 2022 दे विच सरकार बनने तो बाद सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बतौर मुख्यमंत्री अहुदा संभालिया और उस तो बाद बहुत सारिया पॉलिसियां पंजाब के अंदर सोधिया गई, नवीं पॉलिसियां पंजाब के अंदर आईया। जिहड़ा माफिया राज जिहड़ा पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सांझी सरकार ने और उस तो बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंजाब के अंदर वख-वख डिपार्टमेंटां के अंदर वख-वख विभागों के अंदर वड्डे वड्डे अपने माफिया राज चलाउण वाले लोग पंजाब के अंदर पैदा किए हुए सीगे। उन्हां लोकां दे कारोबार लगातार चाहे बीजेपी की सरकार सी पंजाब के अंदर, चाहे अकाली दल बीजेपी की सांझी सरकार सी, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार सी, इन्हां दे सरकारां दे समय पंजाब के अंदर माफिया का राज पंजाब के अंदर इन्हां लोकां ने कायम किया सी। पंजाब के लोगों ने सत्ता इन्हां नूं सौंपी सी इस गल लई कि पंजाब के अंदर इमानदारी दा राज करनगे, पंजाब के अंदर भ्रिष्टाचार मुक्त राज कायम होगा। पर लेकिन अफसोस इन्हां ने पंजाब के अंदर माफिया का राज स्थापित किया। और उस तो बाद असी जो अपोजिशन के अंदर भी सी, तुसी सारे नोट करते सी, जो आम आदमी पार्टी 2017 के अंदर पंजाब की विधानसभा के अंदर पहली बार एंट्री हुई तो बिल्कुल आपोजिशन का रोल निभाने की जिम्मेवारी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की लगी। काफ़ी लंबा अरसा बतौर लीडर ऑफ आपोजिशन पंजाब की विधानसभा के अंदर मैं भी काम किया, लगभग 3.5 साल ये जिम्मेवारी जी निभाई। वख-वख पंजाब के मुद्दों पर गल करते होंगे सी और पंजाब के अंदर उस समय असी लगातार इस गल की आवाज़ बुलंद की कि पंजाब के अंदर एक शराब का माफिया कायम किया हो, पंजाब के अंदर लिकर का माफिया उस समय की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और उस तो पहला बीजेपी ते अकाली दल की सरकार ने पंजाब के अंदर शराब का माफिया कायम किया हो। पंजाब के अंदर तुहानू सारयां नू याद होगा कि उस शराब माफिया के कारण जिहड़ा माफिया अकाली दल बीजेपी ने कायम किया सी, जिस माफिया की रहनुमाई जिस माफिया की अगवाई उस तो बाद कांग्रेस पार्टी के लीडर ने की पंजाब के अंदर उस समय की सरकार ने की और जिदे अंदर लगभग जी आप सारे आप याद करिए कि पंजाब के अंदर जंडियाला गुरु, तरन तारण, पट्टी, बाबा बकाला होर बहुत सारे शहरों के अंदर गंदी नकली माड़ी 2 नंबर की शराब जिन्हों आप कह दिए पंजाबी सरकार उस शराब के कारण पंजाब लगभग 128 के करीब जड़िया 128 जड़िया मौतां होईयां सी। हूज ट्रैजडी जी पंजाब के अंदर हुई सी, पंजाब के अंदर इस गलते लगभग उस समय माहौल बनया सी कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी जी उस शराब के माफी की अगवाई कर रही है। बिल्कुल उस समय FIR भी हुई, मुकदमे भी जोड़े उन्हें अदालतों के पेंडिंग पे ने गे। पर लेकिन मेरा कहने का भाव है कि उस समय एक जबरदस्त जो माफिया सी शराब का पंजाब के अंदर कायम किया होया सी। मैं जो रेवन्यू की गल करा उन्होंने समय श्रोमणी अकाली दल की जो गल करिए बीजेपी की गल करिए, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दूँ टाइम बहुत लग जूगा। जे मैं 2016-17 की गल करा पंजाब के अंदर 15-16
ते 2016-17 का कंपैरिजन करिए 15-16 दे विच 4797 करोड़ रुपए आए और 16-17 के अंदर 4406 करोड़ रुपए आए, यानी कि लगभग 8.15% जी रेवेन्यू वो डिकलाइन होया, पैसे घट आए, यानी कि घाटा पिया ड्यू टू एक्साइज पॉलिसी, जिसमें पंजाब के अंदर अकाली दल ते बीजेपी दी जेडे कहिंदे सी कि 9 मास का रिश्ता, जो श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी क्लेम करते सी कि साडा 9 मास का रिश्ता उन्होंने अंदर उन्हों की सरकार के समय पंजाब के अंदर किड्डा वड्डा स्ट्रोंग शराब का माफिया काम कर रहा सीगा, कि नहीं तो हमेशा जनरल ही है, हमेशा सरकार का रेवेन्यू चाहे वह 2% वधे चाहे 4% वधे हमेशा वाधा, पर लेकिन उन्होंने सरकार के समय 8% लगभग 8.15% डिकलाइन आया। पर उस तो बाद जो मैं दूजा अंकड़ा शो करा 2020-21 का 2020-21-2021-22 ये जदों पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज सी, जिसमें पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री सी, तो उस समय भी पंजाब के अंदर जो रेवेन्यू का घाटा पिया, पहली बार कितना होया 6335 तो घट के 6254, यानी कि 1.5% के लगभग 80 करोड़ तो उपर 80 करोड़ तो रेवेन्यू लॉस जोड़ा है वह 2021-22 के दौरान पंजाब च होया। साड़ी सरकार इमीडिएटली 2022 के अंदर मार्च के पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 3 महीने पुरानी पॉलिसी जिहड़ी पुरानी सरकार की पॉलिसी सी, क्योंकि समा लगता गया पॉलिसी बनाने के लिए, 3 महीने पुरानी सरकार की पॉलिसी ने काम किया। और उस तो बाद साड़ी सरकार ने मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सानू ईमानदारी का कट्टर ईमानदार होने का जो सानू रास्ता दिखाया, उस ते चलदिया दिशा निर्देशों के तहत एक शानदार पॉलिसी पंजाब के अंदर साढ़े ऑफिसर साहबान ने साड़ी समुची टीम ने पंजाब के अंदर तैयार की। पहली बार होया इतिहासिक तौर पर, मैं सारे डाक्यूमेंट तुहानू मुहैया करवा दूंगा कि जिहड़ी पॉलिसी दे नाल 2021-22 च घाटा पिया, जिस कांग्रेस पार्टी दे सरकार दे समय कैप्टन साहब दी होवे चाहे चन्नी साहब दी होवे, जिस पॉलिसी दे अधीन पंजाब दे रेवेन्यू घाटा पिया, पंजाब दे खजाने नू घाटा पिया, और उसे नू जदों असीं नवी पॉलिसी लैके आए तो उहदे नाल पंजाब दे अंदर पहली बार की होया कि साडा रेवेन्यू जिहड़ा गा वह 6254 करोड़ तो 6254 करोड़ तो बढ़ के 8841 करोड़ रुपये ते पहुंच गया, 8841 करोड़ रुपए ते पहुंच गया, क्योंकि पंजाब दे अंदर पहली बार एक नेक नीति वाली आम लोगों की बनाई एक ईमानदार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन सरकार ने ईमानदार सरकार ने जो शपथ ली जो पंजाब की बागडोर संभाली तो लगभग 41.41 मोर दैन 41% का जो इनक्रीज आ वो फस्ट टाइम इतिहासिक तौर पर इतिहासिक मूवमेंट आ कि इस पहले साल दौरान असी 41% तो उपर का वड्डा वाधा जोड़ा प्राप्त किया, क्योंकि हुण साढ़े को एक्चुअल डाटा जे मैं गल करा, क्योंकि कल 31 मार्च तो बाद 31 मार्च तो बाद जो है एक्चुअल डाटा कई बार ना पुराने मैं देखा, तुम भी जो किसी का वर्शन लौंगे तो आके इधर उधर गल करते, तो मैं तुम्हें वो बिल्कुल वो ट्रैजरी का वो साढ़े खात्या का लेके आयागा कि ये 41% तो उपर 41.1 पॉइंट तो लैके जो है 41% तो उपर का एक वड्डा वाधा पंजाब के अंदर इस नवी एक्साइज की पॉलिसी आने के कारण पंजाब के खजाने में होया, क्योंकि तुसी भी देखते सीगे
कि पुराने समय दौरान की हुंदा सीगा कि पुराने मंत्री साहबान कहते सी खजाना खाली आ, खजाना खाली आ, क्यों कहते सी? क्योंकि वो भी कोई भी वह यतन नहीं करते सी, क्योंकि उन्होंने जी पुराने समय जोड़े वो लीडर सीगे बेईमानी कुट कुट के भरी हुई सी, इस गल करके कोई भी पॉलिसी रिव्यू नहीं करते, कोई भी यतन नहीं करते सके कि साढ़े सूबे के जोड़े आर्थिक हालात ने सुधरन। सो पहली बार होया कि 8841.4 यानी कि 41.41% का एक वड्डा इतिहासक जोड़ा इनक्रीज आ वाधा गा वो पंजाब की इस नवी पॉलिसी के कारण होया गा। साढ़े मेहनती स्टाफ, साढ़े मेहनती जोड़े वर्कर ने सॉरी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने उन्होंने कारण होया गया, नहीं तो इस तो पहला लगातार जोड़ा है वो घाटा नजर आता सीगा। और उस तो बाद इस साल मैं ये भी दसद्या शेयर करद्या तुहाडे नाल बड़ी खुशी हो रही है कि असी जिहड़े 71 पंजाब के 171 एक्साइज के ग्रुप बने हुए नेगे उन्हां नूं असी बेचण दा काम जिहड़ा सी वो 11 मार्च 2023 नूं शुरू कीता सी और 31 मार्च तो पहला ये सक्सैसफुल पॉलिसी का राज आ दिखाई देता कि 31 मार्च तो पहला विदइन 20 डेज सिर्फ 20 दिनों के अंदर अंदर वो सारे साढ़े इवेंट्स जोड़े वो बिक चुके सी। और एक होर भी खुशी की गल आ कि 70% रिन्यू होए ने, जिन्ना असी वादा किया सीगा कि असी इस ग्रुप बनाए सीगे कि 16% वादा लवेंगे, 12% वादा लवेंगे, 10% वादा लवेंगे, वो बिल्कुल साढ़े मिथे टारगेट नूं अचीव करते हुए 70% ने जिहड़ा हैगा वो अपने लाइसेंस रिन्यू कराए, जिहड़े 30% रह गए वो भी जिहड़े असी ने विदइन 20 डेज सेल आउट किए। असी आपदी जो एसटीमेट किया सीगा कि सानू 171 ग्रुपां दे विचों किन्नी आमदन होनी चाहिए है, साड़ी आमदन असी अनुमान किया सीगा, एसटीमेट लाया सीगा कि इस तो सानू किन्नी अमाउंट जिहड़ी आ वो आऊगी। साडा अमाउंट सीगी कि 7,999 करोड़ रुपए की आमदन होने का सानू अनुमान सीगा, ये अजे कंप्लीट नहीं, अजे कंप्लीट तो बाद मैं करूँगा। 7,999 करोड़ रुपया मैं ये भी शेयर करद बड़ी खुशी हो रही है कि वो साड़ी जी ऑक्शन के राही वो 8,007,45,00,000 रुपए चो जे बिके ने, यानी कि सानू पहली जी सा सेल सी उदे विचों भी लगभग 18,45,00,000 रुपया जोड़ा है सानू वो भी वाधू जी कमाई हुई है, यानी कि साडा टारगेट जोड़ा इस साल साडा टारगेट असी फिक्स किया गा इस पॉलिसी के राही कि साडा टारगेट आ इस साल कलैक्ट करन दा 2023-24 साडा टारगेट आ कि 9,754 करोड़ रुपए 9,754 करोड़ रुपए जोड़े ने गे इस पॉलिसी तो जोड़ा है वो कमाए जान जोड़े कि पंजाब के खजाने चाहे 9,754 करोड़ रुपए कमाने का टीचा जी, जिद असी 8,007 करोड़ रुपए जोड़े साड़ी किटी लगभग आ चुके हैं गे और किस्तों के राही आने। सो साडा इस बार का टारगेट आ 9,754 नहीं, बिल्कुल असी साढ़े मेहनती साढ़े ऑफिसर साहबान साडा टारगेट आ कि असी 10,000 करोड़ रुपए नूं टच करांगे। ये इतिहासिक तौर पर पहली बार हो रहा, नहीं तो पंजाब के अंदर हमेशा जिवें पहला दस्या गा कि घाटा ही पैदा नज़र आया गा, पहली बार हो रहा कि जिहड़ा लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा गा। इहदा कारण आ कि पंजाब के अंदर जिहड़ा शराब का माफिया, जिहड़ा लिकर माफिया पुरानिया सरकारां ने, पुरानिया पार्टियां दी सरकारां ने पंजाब के अंदर एस्टैबलिश किया सीगा, जिहड़ा एक पैरलल सरकार के अंदर एक नवी इकोनमी जिहड़ी आ वो शुरू की थी, इसी की इकोनमी सी पैरलल
जिहड़ी शराब दा धंधा करन वाले लोगों की उन्हों तहस नहस किया। और पंजाब दे अंदर 1 अप्रैल 2022 तो लैके 28 फरवरी तक का मैं अंकड़े की गल करदा लगभग 6317 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो मुकदमे दर्ज होए जिन्हां विचों लगभग 6100 तो उपर लोगों असी जेलों के अंदर डकया। एक बहुत बड़ी प्राप्ति आ जे पुराने अंकड़े की करिए कितने घटने के नालों, यानी कि 6317 व्यक्तियों के FIR अलॉद हो जिन्हां विचों 6114 व्यक्तियों जो अरैसट किया गया। सो बड़ी पद्धर से जो वर्किंग स्टेल जिन्होंने भट्ठियां कह देने उन्होंने फड़ के तबाह किया गया। और ईएनए एक्सट्रा न्यूट्रल अलकोहल जोड़ा है वो 2-3 कंसाइनमेंटा फड़ के वो जड़िया तबाह की गई उनके खिलाफ एक्शन होया। और पंजाब के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस जी सिस्टम सीगा लिकर का कितों चली कितने पहुँच गई वह भी असी उसकी शुरुआत पिछले साल की इहदा बहुत बड़ा फायदा होया। पंजाब के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नाल जिहड़ा एक्साइज़ का क्यू आर कोड लैवल वेरीफिकेशन सिटीजन ऐप सी वो लॉन्च की उहदा बहुत बड़ा फायदा होया। सो ई आबकारी प्रोजैक्ट के अधीन उत्थे सानू फ्लो का पता लग्या कि कितों शराब आ रही है कितने जा रही है कोई रास्ते तो नहीं उन्हों जिहड़ा हैगा उहदा महसूस कर रहा। सो मेरा कहण का भाव आ कि पहली बार पंजाब के अंदर इस पॉलिसी के राही एक बड़ा जिहड़ा हैगा वो सानू वाधा मिलिया। ये एक्चुअल जिहड़े हैगे ने वो फिगर ने क्योंकि जो बजट होंदा उदो एसटीमेट लगते हैं उदो बाद रिवाइज आउंदा एक्चुअल जिहड़ा डाटा साडे कोले साडे सिस्टम के उत्ते साडे पहुंचेगा आबकारी के अंदर वो पहुंचेगा। सो मैं समझदा कि पहली बार होया कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी दी पार्टी साड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि करप्शन के अगेंस्ट चली मूवमेंट चो पैदा हुई भ्रिष्टाचार के अगेंस्ट चली मूवमेंट चो पैदा हुई उस लीहां ते चलदिआं पंजाब दे अंदर सरकार जदों बनी आ ये वड्डा वाधा तां देखण नूं मिलिआ क्योंकि पंजाब दे अंदर एक ईमानदार सरकार जिहड़ी आ उह सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई जिहड़ी उह चल रही आ। सो एक बड़ा जिन्होंने लोग कहते बदलाव गा वह बदलाव जरा इतने देखने मिले।